हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा नई वीडियो जो कि है आपके लिए रहने वाली बहुत ही यूजफुल। जो भी बच्चे हमारे कर रहे हैं बीएड, ठीक है, सो बीएड थर्ड सेमेस्टर वालों का क्वेश्चन पेपर जो है वो यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस और वीडियो को लाइक कर दो गाइस, ताकि हम आपकी इसी तरह से हेल्प करते रहें गाइस। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रखा सामने बीएड थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। और ये अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है थर्ड सेमेस्टर वालों का, ये 2023 के अंदर जो भी हमारा बैच था थर्ड सेमेस्टर का, उनका ये पेपर है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स एंड मैथ, ये हमारा पेपर का जैसे आप टाइटल देख सकते हैं यहाँ पे, मैथडोलॉजी ऑफ टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, मतलब सीधा आगे ये टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। नीचे जा सकते हैं आप, यहाँ पे नीचे जैसे जाएंगे यहाँ पे लिखे लगा है कोर्स नंबर 302। टाइम आप सबको पता है पैटर्न से, तो आप सभी वाकिफ होंगे क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हो और पैटर्न तो सेम ही रहता है। और यहाँ पे 3 घंटे का टाइम है और मैक्सिमम मार्क्स आपको 60 मार्क्स है, ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। नोट आप सभी को पता ही है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि आपको 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और आपको क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो कंपलसरी है, और आपको जो 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उनमें क्या होगी इंटरनल चॉइस होगी, और हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और हर यूनिट जो क्वेश्चन पेपर है वो कैरी करेगा 12 मार्क्स। उसके बाद जैसे हम यहाँ से नीचे जाएंगे गाइस, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंपलसरी आपको करना ही करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन पे क्या लिखना है, आपने शॉर्ट नोट लिखना है किस किस पे, ये 4 पार्ट है हमारे, और ये 4 पार्ट जो है देख सकते हैं इनकी वेटेज क्या है, हर पार्ट जो है वो कैरी कर रहा है 3 मार्क्स गाइस, ठीक है। उसके बाद हमारे टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो हो गए हमारे 4 × 3 हो गए हमारे 12। यहाँ पे देख सकते हैं आप रोल ऑफ स्कूल टूवर्ड्स टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, तो बायोलॉजिकल साइंस का स्कूल का क्या रोल है जब हम बायोलॉजिकल साइंस को टीच करते हैं, ठीक है। उसके बाद साइंस क्लब क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या है, उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर क्या है, इसके ऊपर आपने नोट्स लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे नीचे यूनिट नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे यूनिट नंबर 1 को एज आई ऑलरेडी मेंशन कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 2 क्वेश्चंस और आपको कोई इनमें से ए करना है गाइस। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजिकल साइंस एंड सोसाइटी, ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, ये पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमें हाईलाइट द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ सम एमिनेंट साइंटिस्ट टूवर्ड्स बायोलॉजिकल साइंस, तो बायो साइंस की तरफ जो कुछ एमिनेंट साइंटिस्ट हैं उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही है, आप इंडियन के साइंटिस्ट ले लो कुछ और कुछ जो है वो फॉरेन के साइंटिस्ट, 4-5 जो है वो नाम लिख के उनके आगे जो कंट्रीब्यूशन है काम है वो आप डिटेल में लिख सकते हो टू द पॉइंट, और ये आसानी से आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का एक पार्ट है, सॉरी ये 12 मार्क्स का है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोई 4 लिख दो और ये 3 मार्क्स का हो जाएगा, और 12 आसानी से आपके जो है वो मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे। उसके बाद आ जाता है भाई हमारा यूनिट नंबर सेकंड से भी आपको सेम पैटर्न मिलेगा, कोई 2 क्वेश्चन आएंगे आपको इनमें से कोई जो है वो ए करना है। जैसे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4th है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, पता है ना सबको ऑडियो विजुअल एड्स जो हम यूज करते हैं पढ़ाते समय, ठीक है। विजुअल में हमारा आ गया जैसे हम एनिमेशन वीडियो भी दिखा सकते हैं, PPT हो गया, ठीक है, इमेजेस दिखा सकते हैं, चार्ट्स हो गए हमारे, फोटोग्राफ्स हो गए, उसके बाद हम जो है वो उनको फ्लो चार्ट दिखा सकते हैं जिसको हम साइनॉप्सिस बोलते हैं, और ऑडियो में, ठीक है, आप आजकल बहुत सारी जैसे पॉडकास्ट चल चुकी है या फिर आप मुंह से बोलते हो, ठीक है, और एक्सप्लेन वाइल डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, तो आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, जो भी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5th जो है वो आपको देखने को मिलेगा, हाउ इज लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड इफेक्टिव टेक्निक फॉर टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सीटेबल एग्जाम्पल्स, आपको बतानी है यहाँ पे कि जो हमारा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है वो कैसे इफेक्टिव है जब हम बायोलॉजिकल साइंस को टीच करते हैं, ठीक है, यानी बायोलॉजिकल साइंस को टीच करने के लिए जो हमारा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है वो कैसे इफेक्टिव है, आपने जो अब एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल्स बतानी है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर थर्ड से भी सेम पैटर्न, बिना टाइम वेस्ट करते सीधा पढ़ते हैं क्वेश्चन, डिफाइन इवैल्यूएशन क्या होता है और डिस्कस द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन किस
लिए करी जाती है। आप सभी कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कि टाइप्स ऑफ इवेल्यूशन कितनी होती हैं, और इवेल्यूशन तो आप सबको पता होता है, ठीक है। बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव इवेल्यूशन। वैसे दही दे रखा है इन्होंने, हमारी मेन जो होती है वो फॉर्मेटिव और सुमेटिव दो टाइप की इवेल्यूशन ही होती है। जैसे आप सबको पता होगा कि फॉर्मेटिव होती है कि जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ ही उसको जो है वो वैल्यूएट करते रहें, ठीक है, उसके जैसे टेस्ट लेते रहें, ओरली हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं, MCQ हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमारा यहाँ फिर यूनिट ख़त्म होता है उसके बाद हम टेस्ट ले लेते हैं ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो कितनी अच्छी हुई है, ठीक है, बच्चा जो है वो किस फील्ड में अच्छा है। और सुमेटिव होती है जो हम एंड ऑफ दी, जब हमारा कोर्स ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो वैल्यूएशन करते हैं, दैट इज सुमेटिव वैल्यूएशन, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर फोर्थ के अंदर जो है वो 8 और 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे विद सूटेबल एग्जाम डायग्राम, सॉरी, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज जो है वो आपको बताने हैं। ये हमारा यूनिट जो है वो आसान होता है, आपको क्या करना है कि डायग्राम्स बनानी है और जो भी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज होते हैं उनको आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स के अंदर जो है वो कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, आपने ब्रीफली जो है वो डिस्कस करना है सभी के बारे में। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश वालों के लिए। और उसके बाद आ जाता है हमारा हिंदी वर्जन जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं छोटी टिप्पणी लिखे हैं, मतलब यहाँ पे आपको कोई शॉर्ट नोट लिखना है, सारे के सारे कंपलसरी पार्ट हैं। जो हमारी जैविक विज्ञान है, विज्ञान के शिक्षण की दिशा में स्कूल की भूमिका, उसके बाद विज्ञान क्लब क्या है, उसके बाद नैदानिक परीक्षण क्या है, और पौधों में पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके साथ सारे क्वेश्चन जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। जैविक विज्ञान और समाज के बीच संबंधों पर चर्चा करें, ये 12 मार्क्स का आप सबको पता है। जैविक विज्ञान के प्रति कुछ प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के मुख्य योगदान पर प्रकाश डालें। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे यूनिट नंबर 2। आप क्वेश्चन सभी पढ़ सकते हैं हिंदी में, आजकल मुझे लगता नहीं वो अटैम्प्ट करता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी यहाँ से देख सकते हैं। और वंस अगेन अगर आपको इसकी PDF चाहिए गाइस, तो PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक इन द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे आइए और हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करो, वो सीधा आपको ले जाएगा टेलीग्राम की तरफ, और वहाँ पे आप ज्वाइन करो और वहाँ से आपको मिल जाएगी इसकी PDF, और यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर्स और पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाय बाय, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस, ताकि हम इसी तरह से आपकी हेल्प करते रहें गाइस। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।